आर्टिफैक्ट्स पे जाके यहाँ से लेंगे हम वार्प, वार्प में जाके देखें आर्टिफैक्ट लेंगे, यहाँ पे इसको 50% का पॉजिटिव दे देंगे, ओके कर देंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ले जाके इसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। तो फिल वक्त हम इसमें यही ट्रिक लगा रहे हैं कि एक थोड़ा लाइट रखते हैं, एक दूसरे दो कलर्स पर रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कलर वेरिएशन आता रहेगा, तो आपको इसमें डिफरेंस फील होता रहेगा। एक इस कलर में रख लेते हैं, एक को ऐसे ही रख लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको हम इस तरह से। अच्छा, अब इसमें एक मसला आएगा, जब आप इसको रोटेट करेंगे रोटेट नहीं होगा, ना ये होगा ना होगा, क्योंकि इन पे इफेक्ट है, वो इफेक्ट जो यहाँ दिखा रहा है, इसको डिलीट करेंगे तो इफेक्ट डिलीट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, अनडू करो। अब आपने ये करना है, पहले इसको क्लिक करना है, इसकी एक डुप्लीकेट ले लें ताकि आपको दोबारा काम करने में आसानी रहे, और इन दोनों की भी एक एक डुप्लीकेट ले लें ताकि आपको दोबारा से इनको कॉल करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे रखेंगे इनको तीनों को सेलेक्ट करके, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे, अपीरियंस एक्सपेंड कर देंगे इसको, यहाँ से क्लिक करेंगे और ये इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर इसको आप थोड़ा सा भले छोटा करना चाहें, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाला जो फ्लैप पॉइंट बनेगा इसका, वो इस तरह बनेगा। इस तरह से इसका, और आगे जोड़ना चाहें तो और आगे भी इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। इसको अगर हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, और इसको भी अगर हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, तो फिर ये सीधा हो जाएगा एकदम। इसका एंकर है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो इस तरह का फ्लैप आप इसका उस साइड पे कैसे देंगे, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तीनों ग्रुप कर लेंगे, क्लिक करके इसका रोटेशन पॉइंट निकाल लें, रिफ्लेक्शन की मदद से इसका सेंटर पॉइंट लें, ये आ गया। ऑल्टर के साथ क्लिक करें, ये देखिए इधर आ गया, ये इसका पूरा बन गया लेवल। सिमिलरली टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना है, अब ये इसके ऊपर कैसे फिक्स होंगे, सेम वार्प आर्क -50, ओके, कलर लाइक, क्लिक क्लिक, बेस पॉइंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर क्लिक, सही समझ में आ गई बात, क्लिक ग्रुप, ओके। अब ले जाते हैं इसकी तरफ, ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट लिया, शिफ्ट के साथ इसको मैंने थोड़ा छोटा किया, इसके साथ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया इस पर, लेफ्ट राइट सेंटर बेसमेंट पे रखेंगे इसको, बेसमेंट पे अगर इसी को टू बैक कर देंगे तो यहाँ भी सेट हो जाएगा ये, और नहीं तो इसको फिर नीचे ले आए। सही है, सही बन गया।